हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फिल्लौरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के प्रेडिक्शंस के बारे में, साथ ही बात करूंगा इसके स्क्रीन काउंट और बजट के बारे में भी। यह मेन टॉपिक है और कहीं ना कहीं 24 घंटे से कम का वक्त बाकी है इस फिल्म के रिलीज होने के लिए, और किस तरह से अभी तक इसका बज़ है वो सभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसकी टाइमिंग बता देता हूँ आपकी। ये फिल्म 2 घंटा 9 मिनट की है और साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टर्स है, इसमें अनुष्का शर्मा है जो उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म है ये, और फॉक्स जो स्टार स्टूडियोज है कहीं ना कहीं साथ में प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ ही इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अंशाई लाल नाम के डायरेक्टर, इन्हें इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ नजर आएंगे आपको सूरज शर्मा और साथ नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ। म्यूजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है और जिसमें अनुष्का शर्मा एक भूत बनी रहती है, और बहुत सारी चीज़ें आपने ट्रेलर में ऑलरेडी देखी ली है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ किस तरह से फिल्म होती है, क्योंकि अभी तक म्यूजिकली बहुत अच्छी लगी लोगों को, ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया है। कुछ अलग तरह की जो फिल्म हम देखना चाहते हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इसके स्क्रीन काउंट की बात करें तो स्क्रीन काउंट के हिसाब से 1000 से लेकर 1200 तक का स्क्रीन काउंट इसे मिलने वाला है इंडिया में, जो एक अच्छा खासा स्क्रीन काउंट होगा। और अगर इसके बजट की बात करें तो इसका फिल्म का बजट है 21 करोड़, यानी कि 21 करोड़, और उसमें से 12 करोड़ ऑलरेडी इस फिल्म ने म्यूजिक और सैटेलाइट राइट के हिसाब से वसूल लिया है, यानी कि वापस आ गए हैं उनके पास। तो इससे ज़्यादा मतलब फिल्म को प्रॉफिट में आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जहां तक अगर हिट का सवाल हो, तो अगर ये 21 करोड़ में बनी फिल्म अगर 35 करोड़ अब कमा लेती है तो इसे एक हिट फिल्म करार दिया जाएगा, और आराम से ये फिल्म वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक मतलब 35 करोड़ तक, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते किस तरह से कलेक्शंस वगैरह आते हैं प्रेडिक्शंस के हिसाब से। तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि पहले दिन 3 करोड़ के आसपास इससे कलेक्शंस होंगे। देखते हैं किस तरह से ये कल धमाल बोलती है और किस तरह से इसकी ओपनिंग होता होगा। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पर अपडेट करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।